अच्छा दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर मैं ज़्यादातर जो काम है वो YouTube मोनेटाइजेशन का करता हूँ। मतलब ज़्यादातर 4000 घंटे का वॉच टाइम किसी के भी YouTube चैनल पर और 1000 सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया है इसको कंप्लीट करके मैं फाइनली लोगों के चैनल से मोनेटाइज कराता हूँ। इसके बारे में प्रॉपरली आप लोग मुझे जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर इन सब कामों को करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर गूगल एडसेंस के बारे में भी हो चुका है। अब गूगल एडसेंस के बारे में जो डिफरेंट एक्सपीरियंस है आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। डिफरेंट एक्सपीरियंस क्या है दोस्तों, वह मैं आपको बता देता हूं कि काफ़ी सारे लोग एक चीज़ को लेकर कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि यहां पर अगर किसी के पास में दो YouTube चैनल है तो क्या हम उसको एक ही एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हैं, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी के पास में 5 YouTube चैनल्स हैं और उसके पास में एडसेंस का अकाउंट एक ही है तो क्या वो अपने यूट्यूब चैनल को, उन 5ों यूट्यूब चैनल को उस एक एडसेंस अकाउंट से कनेक्ट करके उसको मोनेटाइज करा के कंटिन्यू सही तरीके से काम कर सकता है क्या। इसके अलावा दोस्तों, किसी के पास 10 यूट्यूब चैनल्स हैं या किसी के पास में 20 यूट्यूब चैनल है, वैसे इतने सारे चैनल होते नहीं, लेकिन अगर किसी के पास में अनलिमिटेड मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं लेकिन एडसेंस अकाउंट एक ही है तो क्या आप उन सभी चैनल्स को एक एडसेंस से कनेक्ट करके लिंक करके उससे अर्निंग कर सकते हैं क्या। और ऐसे करने से, मतलब इस तरह से करने से आपके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर या आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर कोई फर्क पड़ेगा या आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं, क्योंकि एक फैमिली होती है मान लो, और एक फैमिली में काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं लोगों के। अगर वो चाहे तो अपने अपने यूट्यूब चैनल की जीमेल अकाउंट से एक एडसेंस बना सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए पिन मंगाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो उस सब झंझट से बचने के लिए लोग ये समझते हैं कि हमारे मल्टीपल YouTube चैनल्स की जो अर्निंग है वो एक ही एडसेंस यानी एक ही बैंक में आ जाए तो उससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपका एक कन्फ्यूज़न निकाल देता हूँ। अगर आपके पास में मल्टीपल, मतलब 5, 10, 20, 50, 100, 150 YouTube चैनल्स भी हैं तो आप अपने एक एडसेंस अकाउंट से उसको लिंक कर सकते हैं। और ऐसा नहीं दोस्तों, सिर्फ लिंक कर सकते हैं और उसको मोनेटाइज करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप जो उन अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल की जो अर्निंग होती है वो आप अपने उस एडसेंस अकाउंट के अंदर ले सकते हो। वैसे तो एक एडसेंस अकाउंट किस लिए बनता है दोस्तों, अर्निंग रिसीव करने के लिए। बेसिकली ये एक अर्निंग रिसीवर होता है और उसके साथ साथ में आपका यूट्यूब चैनल एडसेंस के अलावा किसी चीज़ से कनेक्ट हुए बगैर मोनेटाइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एडसेंस के जो काम है, दो मेन काम रहते हैं, तो आपकी जो यूट्यूब की कमाई होती है उसको वो रिसीव कर ले आपके बैंक में। इसके अलावा दोस्तों, उससे कनेक्टिंग के बिना आपका यूट्यूब चैनल ही मोनेटाइज नहीं हो सकता। अगर आपके अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल्स हैं और आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, आप ये समझते हो कि हमें अलग अलग एडसेंस यहाँ पर बनाने पड़ रहे हैं, क्यों ना हम एक ही एडसेंस के अंदर सारे यूट्यूब चैनल्स को यहाँ पर कनेक्ट कर दें और उससे ही जितने भी यूट्यूब चैनल्स की अर्निंग होती है वो सारे उसी एक बैंक अकाउंट में आ जाए, तो फ्यूचर में क्या इससे प्रॉब्लम होगी? नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पर वॉच टाइम का काम करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे पहले से है एडसेंस के बारे में। मतलब लगभग 1.5 साल से मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी की थी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, उसके अकॉर्डिंग अपने मैनुअल माइंड से मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है एडसेंस को, और इसके अलावा काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी कर रखे हैं। तो उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अगर आपके पास में अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल्स है, एक है या एक से ज़्यादा कितने भी आपके पास में यूट्यूब चैनल हैं, तो आप अपने एक ही एडसेंस अकाउंट से उसको कनेक्ट करके मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स को मोनेटाइज भी करा सकते हो और मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स की जो अर्निंग आपकी आएगी और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर फ्यूचर में आपको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में 1-2 महीने में, 1-2 साल में, 10-20 साल में आपके YouTube चैनल पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, नहीं दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आपके YouTube चैनल के अंदर नहीं आएगी, ना ही आपके किसी भी उस एडसेंस अकाउंट के अंदर आ सकती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे यहाँ पर एक्सपीरियंस किए हैं तब जाकर मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कमेंट करके इस तरह के अक्सर कर सवाल करते रहते हैं कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, मल्टीपल यूट्यूब चैनल आप एक एडसेंस से कनेक्ट करके उनको सभी को मोनेटाइज कराकर आप अपने YouTube चैनल की जो अर्निंग है वो भेज सकते हैं सिर्फ वन एडसेंस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ कंफर्म कर दी है दोस्तों कि आप मल्टीपल चैनल
यूज़ कर सकते हो अपने एक ही एडसेंस अकाउंट से, और मल्टीपल चैनल्स की मल्टीपल अर्निंग्स आप एक ही एडसेंस अकाउंट यानी एक ही बैंक के अंदर ले सकते हो। सो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। सो मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।